जब आदमी को झूठ बोलने की आदत ना हो ना तो कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। मुझे सब पता है, घोटे गुमुख ने मुझे सब बता दिया है, यहां तक कि मैंने कपि को बुलाकर सारी बात साफ साफ भी कर ली है। क्या? आपको सब पता चल गया डटी डटी? हाँ, और कपि ने बाकायदा मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाई है कि मेमना उसकी सिर्फ दोस्त है, एक अच्छी दोस्त, वो दोनों के बीच में और कुछ नहीं है। कपि जी ने आपके सर पे हाथ रखे, इतना बड़ा झूठ बोला बापू जी। किसी बात कर रही है बेटा, तुझे लगता है कि कपि मेरी झूठी कसम खा सकता है? वो ये सब कुछ भी कर सकते हैं बाबू जी, हमने खुद कपि जी और मेमना को एक साथ देखा है, उन्हें बातें करते हुए सुना है। एक पिता होने के नाते आप उन पे विश्वास कर सकते हैं, लेकिन एक पत्नी होने के नाते हम दोस्ती और प्यार में अच्छे से अंतर समझते हैं। तो दोस्त कभी घर से भागने की बात नहीं करेंगे बाबूजी, डरते डरते। बेटा तुझे कहीं ना कहीं जरूर कोई ना कोई गलत फहमी हो रही है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं बाकायदा कपि और मेमना को यहाँ तुम्हारे सामने बुलाकर सारी बात साफ कर देता हूँ। बाबूजी हम बिल्कुल नहीं चाहते कि कपि जी को हमारे सामने झूठ बोलना पड़े डरते डरते। और फिर वैसे भी कल की सुबह ज्यादा दूर नहीं है, कल्याण तो आपके विश्वास की जीत होगी, या फिर हमारी गलत फहमी की डरते डरते। सुन बाबूजी की जी, हाँ यहाँ से लेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोल लिया था। मैं बार बार तो बोल चुकी है।